हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी स्ट्रॉन्ग शुक्र यानी वीनस के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में अगर आपका वीनस ग्रह स्ट्रॉन्ग हो तो आपको मिट्टी भी सोने जैसा दाम देती है। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में शुक्र यानी वीनस जो ग्रह है वो वैल्यू है यानी किसी भी चीज़ की कीमत कहा जाता है। तो अगर वीनस किसी भी ग्रह के साथ कंजंक्ट होता है तो उस ग्रह की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। अब प्रैक्टिकली हम लोग इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में, ये मैं आपको अलग अलग ग्रह के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन याद रखिए कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। अगर आपके जन्म लग्न कुंडली से आपको ये पता करवाना हो तो उसके लिए आपकी शुक्र की पोजिशन और वो जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है उसकी पोजीशन कैसी है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र और जिस ग्रह के साथ शुक्र कंजंक्ट है ये दोनों प्लैनेट्स जो है वो किस राशि में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, किस डिग्री के ऊपर बैठे हैं, डिविजनल चार्ट्स में उनकी स्थिति क्या है और बाकी कौन से ग्रहों के इनके ऊपर एस्पेक्ट है, इस कंजंक्शन के ऊपर दृष्टि है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि अलग अलग राशि, नक्षत्र, डिग्रीज, एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करना इम्पॉसिबल है। मैं सिर्फ यहाँ पे वीनस अगर अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्ट हो जाता है तो उसका कैसा रिजल्ट आपको मिल सकता है प्रैक्टिकली कलयुग में, तो वो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शनि यानी सैटर्न ग्रह की। शनि जो ग्रह है वो साधारण रहन सहन का कारक है, लेकिन अगर जन्म लग्न कुंडली में शनि के साथ शुक्र अगर कंजंक्ट हो जाए यानी शुक्र और शनि की युति बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को ब्रांडेड कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे मैं बता रही हूँ शुक्र एंड शनि की पोजिशन मूल जन्म लग्न कुंडली में कैसी है ये देखने के बाद ही ये प्रेडिक्शन एक्यूरेट किया जाएगा। तो जिस व्यक्ति के जन्म लग्न कुंडली में शुक्र और शनि एक साथ युति में हो, ऐसे व्यक्ति को जब जब शुक्र और शनि की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा आएगी उस समय पे उस व्यक्ति को ब्रांडेड कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु तकनीकी संचार है। राहु यानी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन। तो राहु के साथ अगर शुक्र कंजंक्ट हो जाए तो वो इंसान साधारण फ़ोन यूज़ करने की बजाय आईफोन यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेगा। अब आप देखेंगे कि नॉर्मल जो फ़ोन है उससे भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो हो ही रहा है और आईफोन के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन जब अच्छी स्थिति में शुक्र और राहु कंजंक्ट हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति को टेक्नोलॉजी और फोन्स एंड जो भी सारा डिजिटल चीज़ें हैं उसमें इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा एंड बहुत ब्रांडेड चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब मैं बात करती हूँ केतु ग्रह की। केतु ग्रह वैसे तो मोक्ष का कारक है, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में केतु के साथ शुक्र कंजंक्ट हो जाए जन्म लग्न कुंडली में तो कहा जाता है कि ऐसे में जातक एसी में मोक्ष ढूंढेगा। अब एसी में मोक्ष ढूंढने का मतलब है कि वो जातक जो है वो मोक्ष के प्रति अग्रेसर हो जाएगा, स्पिरिचुअल पाथ पे डेफिनेटली चलेगा, लेकिन साथ साथ जो भी प्लेजर्स है, कंफर्ट है, लग्जूरियस लाइफ है उसे भी जिएगा। कुछ संत होते हैं जो टीवी पे आते हैं, उनको बहुत सारा मीडिया कवरेज मिलता है, उनको बहुत पब्लिसिटी मिलती है, बहुत पैसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को संत तो कहलाते हैं, धर्म की बातें तो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो ल्यूरियस लाइफ भी जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वीनस एंड केतु का कंजंक्शन दर्शाता है। अब अगर मैं बात करूं चंद्रमा की तो मून यानी चंद्रमा राज दरबार का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर चंद्रमा के साथ शुक्र कंजंक्ट हो जाए तो ऐसे में वो व्यक्ति किसी राज दरबार में उच्च पद के ऊपर प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझा रही हूँ। डेफिनेटली मून एंड वीनस कंजंक्शन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी है। ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की मूल जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा और
और शुक्र की स्थिति कैसी है। डेफिनेटली वो इंसान बहुत खूबसूरत होता है, रोमांटिक होता है, इमोशनल होता है। ये सारे पार्ट को छोड़ के सिर्फ मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट है जैसे चंद्रमा जो कि राज दरबार का कारक माना गया है, तो अगर इस चंद्रमा के साथ शुक्र कंजंक्ट हो जाए यानी वीनस अगर उस मून के साथ मिल जाए तो उस मून के कारकत्व को कैसे बढ़ा सकता है। तो वही राज दरबार में रहने वाला चंद्रमा अगर शुक्र के साथ मिल जाए तो राज दरबार में ही किसी उच्च पद को प्राप्त कर लेगा। तो बस में वीनस का अगर किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन होता है तो उस प्लैनेट की जो भी क्वालिटीज है उसको वो कैसे बढ़ा देता है वीनस, सिर्फ इस बारे में मैं बता रही हूँ। सूर्य यानी चिकित्सा, तो अब अगर उस सूर्य के साथ शुक्र कंजंक्ट हो जाए तो चिकित्सा भी बहुत ब्रांडेड बन जाएगी। यानी वो व्यक्ति जो है वो साधारण अस्पताल में अपना इलाज नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में, किसी बहुत ही नामी अस्पताल में अपना इलाज कराएगा। वो दवाइयाँ भी अगर लेगा तो जेनेरिक नहीं लेगा, ब्रांडेड और लेबल्ड लेगा। अब अगर मैं बात करूँ मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह की, तो बुध तर्क है, वकालत है, काउंसलिंग है, कम्युनिकेशन है। तो ऐसे मर्क्यूरी प्लैनेट के साथ अगर वीनस कंजंक्ट हो जाए तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है वो काउंसलिंग के क्षेत्र में ही बहुत हाई लेवल पे काम करेगा, बहुत ऊंची कंपनी में काम करेगा, अपनी फीस बहुत बढ़ा देगा। इनफैक्ट जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, वो भी अगर उसके कुंडली में भी अगर मर्क्यूरी एंड वीनस का कंजंक्शन हो तो वो अपनी फीस बहुत बढ़ा देगा। अब ज़रूरी नहीं कि फीस बहुत ज़्यादा है इसका मतलब वो व्यक्ति उतना टैलेंटेड रहेगा ही, लेकिन जहां पे शुक्र आ जाता है वहां पे उस पर्टिकुलर चीज की कीमत यानी वैल्यू बढ़ जाती है। यही मेरे वीडियो का मकसद है, इसके थ्रू मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूं। तो जैसे मर्क्यूरी जो है अगर वकालत है तो उसके साथ अगर वीनस कंजंक्ट हो जाता है तो एडवोकेट्स जो है वो अपनी फीस बहुत बढ़ा देंगे। अब अगर मैं बात करूं मार्स यानी मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह जो है वो संपत्ति का और प्रॉपर्टी का कारक माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में मंगल और शुक्र का कंजंक्शन अच्छी स्थिति में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी झोपड़े में या साधारण छोटे से घर में रहने के बजाय किसी वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। वो अच्छी जगह पे रो हाउस लेगा या फिर डुप्लेक्स लेगा, फार्म हाउस बनाएगा, अपना बंगलो बनाएगा, लेकिन वो छोटे और साधारण घर में नहीं रहेगा। अगर उसे प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना है तो वो किसी छोटी सी जगह पे, छोटे गांव में इन्वेस्ट करने की बजाय किसी बड़े गांव में, बड़े शहर में जहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेगा। अब बात करते हैं जुपिटर प्लैनेट की यानी बृहस्पति की। बृहस्पति यानी गुरु ग्रह शिक्षा का यानी एजुकेशन का कारक है। तो अगर गुरु के साथ शुक्र ग्रह कंजंक्ट हो जाए तो ऐसे में शिक्षा यानी जो एजुकेशन है वो सिर्फ दिखावे के लिए रहेगा। वहाँ पे अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, जैसे कॉलेज जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ शो एंड पॉम्प रहेगा, सिर्फ दिखावा रहेगा, कपड़े और बाकी सारी चीज़ों में ही डिस्प्ले लाइफ में जिएगा और बाकी सारी चीज़ों में ही वो इंसान इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन इसका यानी एजुकेशन का इन सब चीज़ों से कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बड़े कॉलेज में, ब्रांडेड कॉलेज में एडमिशन लेगा तो वहाँ पे एजुकेशन भी है बहुत ज़्यादा ब्रांडेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिस्प्ले में चला जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर वीनस यानी शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में, स्ट्रांग स्थिति में अगर कुंडली के पांचवें भाव में बैठ जाए तो कई बार इंसान जो है वो अपना अंग प्रदर्शन बहुत खुलेआम करता है, लेकिन ऐसा इंसान जो है वो छोटी सी क्रिएटिविटी दिखाकर बहुत नेम, फेम, ग्लैमर हासिल करता है। उसे बहुत पैसा, शोहरत, कीर्ति, वैभव सारी चीज़ें मिलती है। तो वो चीज़ें वो पेट के लिए नहीं करता यानी पैसा कमाने के लिए नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे सडनली बहुत सारा नेम फेम मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, पॉपुलैरिटी मिल जाती है। तो जहाँ पे लोग अपने पेट के लिए अगर किसी कला का यूज़ कर रहे हैं, किसी क्रिएटिविटी का, आर्ट फॉर्म का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कमज़ोर शुक्र की निशानी है। लेकिन अगर कोई इंसान शौक के लिए या फिर उसमें वो इनबॉर्न टैलेंट है उस वजह से अगर वो क्रिएटिविटी दर्शाता है और उसे बहुत सारा नेम फेम ग्लैमर मिलता है तो वो चीज़ें बेहतर शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। और ऐसा शुक्र अगर फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती है। कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि ये शुक्र ग्रह ही है जिसने मीडिया को इतना रंगीन बनाया है। शुक्र ग्रह जहाँ पे अपना अस्तित्व दिखाएगा वहाँ पे चीज़ों का वर्चस्व बढ़ा देगा और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा देगा।
तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सबको कलयुग में शुक्र का कितना इम्पोर्टेंस है और शुक्र की कितनी पावर है ये बताने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ शुक्र आएगा वहाँ वहाँ सराहना बढ़ेगी और वर्चस्व बढ़ेगा। मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज रेमेडीज यू ऑल कैन ईमेल मी एट ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी ऊपर मेंशन कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।